हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है मोटरोला H50 एंड वन प्लस नॉट 4। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन फास्ट है, कौन सा फोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए। सबसे पहले दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। मोटरोला H50 में मिलता है 6.7 इंच का 1.5K का पीओएलईडी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फोन में दिया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 AE प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8GB 256GB वेरिएंट इस फोन में दिया है और इसका जो प्राइस है 28,000 रुपीज। वन प्लस नॉट 4 में मिलता है 6.74 इंच का 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8GB 256GB वेरिएंट इस फोन में भी है और इसका जो प्राइस है 33,000 रुपीज। इसका और एक वेरिएंट आता है 8GB 128GB वेरिएंट, जो आपको मिल जाएगा 30,000 रुपीज में। मोटोरोला के फोन में हेलो मोटो UI देखने को मिलता है। बेसिकली ये स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है। हाँ, कुछ कुछ गिने चुने फीचर्स भी देखने को मिलता है, लेकिन वन प्लस के फोन में देखने को मिलता है ऑक्सीजन ओएस। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन ओएस भी पसंद है और बहुत सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड भी पसंद है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, वन प्लस नॉट 4 में मिलता है दोस्तों, लेकिन मोटो के फोन में टोटली क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी बेकार एप्लीकेशन नहीं। हाँ, कुछ कुछ फोन का खुद का ही एप्लीकेशन मिलेगा, बाकी सारे एप्लीकेशन इस फोन में नहीं मिलता है, जबकि वन प्लस के फोन में बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलता है। सबसे पहले दोनों फोन को रिस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा फोन पहले रिस्टार्ट होता है या कौन सा फोन पहले ऑन होता है। यहाँ पे ना जो लाइट है ना, वो पहले मोटरोला लेकर आया है। बाकी देखना ये है कि कौन सा फोन पहले इंटरफेस लेकर आता है, मतलब UI वगैरह लोडिंग करके होम स्क्रीन लेकर आता है। यहाँ पे देखिए, वन प्लस बहुत पहले कर दिया है और थोड़ा सा लेट करके यहाँ पे मोटरोला ओपन किया है, मतलब होम स्क्रीन लेकर आया है। फर्स्ट टाइम अब लोग मतलब लॉक पासवर्ड देने के बाद ना थोड़ा सा लोडिंग वगैरह होने में मोटरोला के फोन में टाइम लगता है, लेकिन वन प्लस इंस्टेंट ओपन करता है। दोनों ही फोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट किया हूं, ताकि जो इंटरनेट स्पीड है दोनों ही फोन में सेम मिले। अब चलो सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन पहले अंतुतु बेंचमार्क को ओपन कर पाता है। ऑब्वियसली दोस्तों, वन प्लस बहुत पहले किया है और बहुत लेट करके यहाँ पे मोटरोला किया है। और अगर आप लोग स्कोर के पास देखोगे तो काफी ज्यादा स्कोर आया है वन प्लस नॉट 4 में, लगभग 2.5 लाख के आसपास ज्यादा स्कोर है। खैर दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टेस्ट अगेन करेंगे आप लोगों के सामने ही और देखेंगे किसमें कितना स्कोर आता है। वन प्लस के फोन में अंतुतु बेंचमार्क रन हो चुका है दोस्तों, स्कोर चेक कर लीजिए 11 लाख के आसपास है। अभी जाके मोटरोला के फोन में अंतुतु बेंचमार्क रन हुआ है दोस्तों और बहुत ज्यादा कम स्कोर है और लगभग 1 मिनट ज्यादा लिया है वन प्लस से अंतुतु बेंचमार्क रन करने में। अब चलो सीपीयू थ्रॉटलिंग को ऑन करते हैं और 15 मिनट के लिए हम लोग सीपीयू थ्रॉटलिंग को रन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे किसका स्कोर या किसका ग्राफ काफी अच्छा आता है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोग ग्राफ देखोगे, वन प्लस के फोन में 82% ग्राफ आया है, मोटरोला के फोन में 74% ग्राफ आया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली विनर है वन प्लस। अब चलो गिग बेंच मार्क 6 को ओपन करते हैं और इसको भी हम लोग रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों ज्यादा स्कोर कौन सा फोन लेकर आता है और कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। इस बार दोस्तों मोटरोला बहुत फास्ट ओपन किया है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे वन प्लस के फोन में अभी भी 90% हुआ है, तो ये थोड़ा सा लेट करके ओपन कर रहा है। लगभग 40 सेकंड ज्यादा टाइम लिया है मोटरोला से। और सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों का स्कोर चेक कर लीजिए, सिंगल कोर में मोटरोला फास्ट, मल्टी कोर में वन प्लस फास्ट। अभी हम लोग एक एक करके सारे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखेंगे, मतलब एडिट करके रेंडर करके देखेंगे काइनमास्टर में कौन सा फोन फास्ट है। लास्ट में हम लोग रैम मैनेजमेंट को टेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड में देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। सबसे पहले चलो G5 को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन पहले G5 को ओपन कर पाता है। हालांकि नीचे जो पेज है ना, ये पहले वन प्लस किया है, लेकिन दोस्तों ये जो पेज है ना, ये सेम दोनों ही फोन में आया है, मतलब सेम टाइम में आया है, तो उसकी वजह से दोनों फोन को मैं सेम पॉइंट ही देना चाहूंगा। अब चलो हॉटस्टार को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले हॉटस्टार को ओपन कर पाता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पहले यहाँ पे मोटर
मोटरोला किया है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। अगर आपको स्लो मोशन में देखना है तभी आप लोग देख पाओगे। खैर, जियो सिनेमा को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों फोन बहुत फास्ट ओपन कर रहा है दोस्तों। ये जो पेज है ना, ये फास्ट दोस्तों, यहाँ पे मोटरोला ओपन किया है तो उसके वजह से मोटरोला को ज्यादा पॉइंट दूंगा। यूट्यूब को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले यूट्यूब को ओपन कर पाता है। ये भी मोटरोला ही किया है। फ्लिपकार्ट को चेक करते हैं। फ्लिपकार्ट भी पहले जो पेज वगैरह है, जो पिक्चर वगैरह है, ये लोडिंग किया है मोटरोला, तो उसके वजह से मोटरोला को पॉइंट जाएगा। मिंत्रा को यहाँ पे चेक करते हैं। मिंत्रा दोनों ही फोन में सेम इंटरफेस आया है, लेकिन ये जो इंटरफेस है ये पहले वन प्लस के फोन में आया है। अब यहाँ पे मिंत्रा के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों वन प्लस नहीं मतलब मोटरोला पहले ये सारे इंटरफेस लेकर आया है, तो उसके वजह से दोनों को मैं सेम पॉइंट दूंगा। अब चलो अमेजोन को चेक कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा फोन पहले अमेजोन को ओपन कर पाता है। यहाँ पे और एक बार कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन इन का पेज आ गया था। अब चलो अमेजोन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फास्ट, थोड़ा सा फास्ट है वन प्लस। अब फेसबुक को चेक कर लेते हैं। फेसबुक यहाँ पे पहले ओपन किया है हमारा वन प्लस, लेकिन ये जो पेज है ये थोड़ा सा लेट करके ओपन किया है। अब इंस्टाग्राम को चेक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पहले दोस्तों यहाँ पे मोटरोला ही ओपन किया है, और यहाँ पे हम लोग बीजीएमआई को ओपन करते हैं। देखते हैं कौन सा फोन पहले बीजीएमआई को ओपन कर पाता है। यहाँ पे देखिए लोडिंग का जो पेज है ना, वो वन प्लस लेकर आया है, तो वन प्लस पहले ओपन करेगा। हाँ दोस्तों, वन प्लस पहले ही ओपन कर दिया है। मोटरोला अभी भी ओपन नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा रहा है, अभी जाके यहाँ पे ओपन किया है। अब चलो दोस्तों, दोनों ही फोन के मैं आप लोगों को ग्राफिक्स का सेटिंग दिखा देता हूँ। देखिये वन प्लस के फोन में स्मूथ आप 90 FPS करके खेल सकते हो, लेकिन मोटरोला के फोन में स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज हो जाता है वन प्लस के फोन में। अब HDR करके देखोगे, दोनों ही फोन में HDR का ऑप्शन है, लेकिन OnePlus के फोन में HDR Extreme का ऑप्शन है, जबकि Motorola के फोन में HDR Ultra का ऑप्शन है। तो Motorola का फोन BGMI के लिए नहीं बनाया गया है, और यहाँ पे Ultra HDR का ऑप्शन भी OnePlus के फोन में मिलता है, लेकिन दोस्तों Motorola के फोन में Ultra HDR का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। अब चलो दोस्तों, KineMaster को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, और प्रोजेक्ट में दोस्तों एक वीडियो को रेंडर करके देखेंगे। हालांकि KineMaster को पहले दोस्तों Motorola ही ओपन किया है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। 16:9 ही हम लोग रखेंगे। चलो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेम वीडियो फुटेज को ले लेते हैं। 30 सेकंड करके देखिए, MB का साइज बिल्कुल सेम है, और फुल HD 50 FPS करके ही वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, ये जो वीडियो है। खैर चलो, हम लोग एक्सपोर्ट करके चेक करते हैं, रेंडर करके चेक करते हैं कौन सा फोन फास्ट है। तो एक साथ हम लोग स्किप बटन को दबाएंगे और देखते हैं कौन सा फोन पहले वीडियो को रेंडर कर पाता है। बहुत सारे भाई लोग फोन में वीडियो को एडिट करता है ना, तो उन लोगों के लिए ये टेस्ट जेन्युइन रहेगा। हालांकि गेमिंग के मामले में तो OnePlus काफी आगे निकल गया है, और यहाँ पे काफी जल्दी जल्दी रेंडर भी कर रहा है दोस्तों। मुझे लगता है OnePlus करेगा, और हाँ दोस्तों OnePlus कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा लेट करके वीडियो को रेंडर किया है। अब रैम मैनेजमेंट चेक करने का बारी है, देखते हैं रैम मैनेजमेंट किसका अच्छा है। देखिए Motorola के रैम में है, लेकिन OnePlus रिलोड कर रहा है। Hotstar को चेक करते हैं, इसके रैम में है, लेकिन OnePlus रिलोड कर रहा है। मैं और एक बार चेक करवा देता हूँ, रिलोड किया है। जियो सिनेमा इसके रैम में है, लेकिन ये रिलोड किया है। और एक बार हम लोग YouTube को चेक कर लेते हैं, इसके रैम में है, लेकिन ये रिलोड किया है। अब यहाँ पे हम लोग Flipkart को चेक करते हैं, इसके रैम में है, लेकिन ये फोन रिलोड किया है। अब यहाँ पे मिंत्रा का भी सेम हालत है। इवन अमेजोन का चेक करते हैं, अमेजोन का भी सेम हालत है दोस्तों, अभी पेज लोडिंग कर रहा है ए। अब यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे भी सेम हालत है, लेकिन यहाँ पे रैम में है, और इसके भी तो अभी असली रैम में रहेगा ही। अब यहाँ पे चलो इंस्टाग्राम को चेक करते हैं। इंस्टाग्राम यहाँ पे रिलोड किया है, लेकिन इसके रैम में है, तो ये थोड़ा सा एक चीज है, इंस्टाग्राम को रिलोड किया है। खैर BGMI इसके रैम में है, लेकिन ये फोन रिलोड कर रहा है। मैं वन प्लस का एक चीज देखा हूँ, वन प्लस का रैम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार होता है। वन प्लस को रैम मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और भी बेटर करना चाहिए। तो हाँ, एप्लीकेशन ओपनिंग के मामले में भी कुछ कुछ जगह में मोटरोला फास्ट है, इवन रैम मैनेजमेंट में ऑब्वियसली साफ विनर है। सिर्फ वन प्लस का ए फोन नहीं दोस्तों, वन प्लस नॉट सीई 4 को भी मैंने टेस्ट किया हूँ। वन प्लस नॉट सीई 4 लाइट, वन प्लस नॉट 3, ये सारे फोन मैं टेस्ट करता रहता हूँ, तो सारे फोन का रैम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार होता है। बाकी दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोगों को पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।